हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ दुर्गा एकेडमी। आज हम हरियाणा के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हरियाणा की दिसंबर आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में पूछे गए हैं। हरियाणा के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रिपीट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम हरियाणा के कुछ क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, आज हम पार्ट टू करेंगे जिसमें इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम के कुछ और क्वेश्चन रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की तराइन की दूसरी लड़ाई में डैस से हार गए, जो पृथ्वीराज चौहान है वो किससे हार गए थे? मोहम्मद गोरी से। सेकंड क्वेश्चन, 1927 में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को डैस में हराया था, कौन सी लड़ाई में? खानवा की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का डैश राज्य बन गया है, कौन सा राज्य? पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू मूलचंद जैन को डैश के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से? हरियाणा का गांधी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल मई 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में डैश के साथ साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया, किसके साथ? जननायक जनता पार्टी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार कहाँ है, कौन से जिले में है? यह है हिसार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था? कौन था? श्री राजीव रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग में मौजूदा युवा विश्व चैंपियन हरियाणा से है, कहाँ से है? ये कौन है? साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने जल संकट से निपटने के लिए ऊपरी यमुना बेसिन में लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए डैश राज्यों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, कितने राज्यों के साथ? ये किए हैं 6 राज्यों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यमुनानगर डैश और डैश में उन औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने और तुरंत बंद करने का आदेश दिया है जो यमुना नदी को प्रदूषित कर रही हैं और जल संरक्षण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रही है, कौन कौन से हैं? ये हैं पानीपत और कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असली पंचतंत्र डैश द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 16वीं शताब्दी के कवि हैं जिन्होंने सूरसागर लिखा, कौन है? ये हैं सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है, कौन सी नहीं है? यह है लाइन एंड स्ट्रेंथ, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को हरियाणवी रागनी और सांग के सूर्य कवि के नाम से सम्मानित किया गया है, किसको? दादा लक्ष्मीचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजौर पंचकुला के पास हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करती है, कौन सी करती है? ये करती है घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में रबी की मौसम के दौरान एक प्रमुख फसल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन सी उगाई जाती है? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इसे डैश प्राकृतिक स्थलाकृतिक क्षेत्र या प्रभागों में सीमांकित किया गया है, 5 प्राकृतिक स्थलाकृतिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है, कौन सी है?
कौन सी हैं? अरावली, पर्वत श्रृंखला। हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है? कौन सा है? भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत की जा सकती है, किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेटवर्क को चुने जो दुनिया भर के विभिन्न कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, कौन सा है ये? कौन जोड़ता है? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है? कौन सा है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्य वन रिपोर्ट FSI 2013 के अनुसार हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के डैश प्रतिशत हिस्से में वन और वृक्षों का विस्तार है, कितने प्रतिशत हिस्से में? यह है 6.49 हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? कौन सा है? TCP और IP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की डैश नदी का प्राचीन नाम अरुणा था, कौन सी नदी का? ये था मार्कंड नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? कौन रहे? श्री ओम प्रकाश चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद में कुणाल एक डैश होने का कारण महत्वपूर्ण है, क्या है? यह है पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के डैश को धर्म क्षेत्र पवित्र स्थान के नाम से भी जाना जाता है, कौन से स्थान को? कुरुक्षेत्र स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकार्ता पालेमबंग में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा जो पानीपत से हैं, उन्होंने डैश में स्वर्ण पदक जीता, किसमें जीता? ये जीता भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हरियाणा पावर टैरिफ सब्सिडी योजना 2018-19 के अंतर्गत कौन लाभान्वित होगा? लाभ में पावर टैरिफ सब्सिडी क्या होगी? लघु और सूक्ष्म उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहाँ पर है? यह है पलवल में। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने डैश में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया है, कहाँ पे किया है? ये किया है सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने योजनाओं और सेवाओं के बारे में आवेदकों के सवालों और शिकायतों का निराकरण करने के लिए अंत्योदय केंद्रों के साथ डैश की घोषणा की है, किसकी की है? टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी साहित्य डैश भाषा से समृद्ध नहीं है, किससे समृद्ध नहीं है? पाली से समृद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू के योगदान के लिए हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? हाली पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय भानु हंस के साथ साथ और किसे उर्दू में हरियाणा का राज्य कवि घोषित किया गया था? किसे किया गया था? अनूप चंद आफताब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा से बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, कौन सी नदी? घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी का निर्माण होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा है? सिरसा। फरीदाबाद जिले में दो झीलें डैश और डैश हैं, कौन कौन सी? वत्कल झील और सूरजकुंड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू सोनी स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? यह है सोनीपत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? किस प्रकार की मिलती है? नमकीन और क्षारीय युक्त मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं? किस जिले में है? पंचकुला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्य के वित्त मंत्री राज्य वित्त बजट प्रस्तुत करते हैं तब राज्य विधानसभा में किसके नाम से बजट प्रस्तुत किया जाता है? किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हरियाणा में नगर निगम के प्रमुख होते हैं, कौन होते हैं? महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चार जंगल फाउल में से एक है जो हरियाणा के शिवालिक में पाया जाता है, कौन सा है? रेड जंगल फाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूल रूप है, कौन सा है? एमएस डोस। नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हरियाणा राजकीय योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? कौन सी योजना? ये है मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की राजधानी में आयोजित डैश के दौरान लोग रोज गार्डन में जाते हैं और गुलाब की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं, किसमें ही जाते हैं? उद्यानों का महोत्सव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी लिखने में कौन सी ड्राइव मदद करती है, कौन सी करती है? सीडी बर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग महोत्सव डैश के दौरान मनाया जाता है, किसके दौरान? मकर संक्रांति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मितथल जिसे सिंधु का या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में है? किसमें है मितथल? ये है भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना डैश द्वारा की गई, किसके द्वारा? श्री बंसीलाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया था, किसने किया था? श्री बंसीलाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का डैश जिला स्वच्छ भारत सर्वेक्षण पुरस्कार 2018 में भारत में दूसरे सबसे अच्छे जिले के रूप में शीर्ष पर है, कौन सा जिला? ये है रेवाड़ी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नवंबर 2019 तक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य कैबिनेट मंत्री कौन है? कौन है? श्री अनिल विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नव निर्मित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल डैश में स्थित है, कहाँ पर है? यह है फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम ने दो फूड पार्क स्थापित किए हैं, पहला राय सोनीपत में और दूसरा शाह अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में प्रस्तावित 22वें एम्स को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा, कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के एक बाल कवि हैं और अंग्रेजी भाषा की कहानी द अरब एंड हिज केमल का अनुवाद किया है, किसने? मुरारी लाल शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के डैस को हर्षवर्धन से सम्मानित किया गया था और उन्हें सबसे प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि भी माना जाता है, कौन है वे? अलहर बीकानेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा लेखक जुबान बुक्स का संस्थापक है, कौन है? उर्वशी बुटालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के डैश शहर में है, कौन से शहर में है? यह है कैथल में। चिली हरियाणा के
डैश जिले में है, कौन से जिले में है? फतेहाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हरियाणा का एक शहर नहीं है? कौन सा नहीं है? यह है भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा के डैश जिले में स्थित है, कौन से जिले में? यह है फरीदाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के डैश जिले में है, कौन से जिले में? यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है? कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के 5 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? स्थानीय लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कार्यकारी शक्ति डैश के हाथ में होती है, किसके हाथ में होती है? हरियाणा के राज्यपाल के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में भूखंड प्राप्त करने के योग्य हैं? कौन कौन है? ये सभी, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, बीपीएल परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरियाणा की एक रबी की फसल नहीं है? कौन सी है? यह है गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो पूर्णांक बाइनरी संख्याओं का अर्थमेटिक और बिटवाइज संचालन करता है? कौन सा है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले फुलफुले टखने तक लंबे स्कर्ट को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के रोहतक जिले में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का जन्म नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? वीरेंद्र सहवाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है? यह है ऑटो कैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट इन द फॉलोइंग, इनमें से अलग बताना है कौन सा है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कौन सा अलग है? यह है खो खो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेश्वर का डैश पुराना नाम है, कौन सा नाम है? यह है कुरुक्षेत्र। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? श्री भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है, किसका मिलान किसके साथ हुआ है? ये आंसर है इसका, 14 नवंबर 2019 तक हरियाणा कैबिनेट में आबकारी और कराधान मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग 2019 में हरियाणा स्टीलर्स का कोच कौन है? कौन है? राकेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के निष्क्रिय थर्मल पावर प्लांट में डैश के कार्यान्वयन करने की परियोजना शुरू की है, किसके? ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मेगा फूड पार्क्स योजना के तहत डैश में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है? बरही सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार 2019 की समाप्ति तक सरकारी स्कूलों के छात्रों में 80% श्रेणी स्तर की योग्यता प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट डैश कार्यक्रम की अगुवाई कर रही है, किसकी? सक्षम घोषणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुड़गांव जिले में डैश का शुभारंभ किया है। किसका? ग्लोबल साइबर रेंज लैब का। पंडित नेकीराम द्वारा किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया गया था? किसका? संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र शर्मा एक डैश हैं। क्या है सुरेंद्र शर्मा? कवि और ठिठोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणि मंचिकाएं और दिव्य वादन साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी हैं, वे हैं? क्या है ये? बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लेखक 1970 में रोहतक के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले एक सफल चिकित्सक व्यवसायी हैं। हालांकि आज उनके पास हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और अंग्रेजी में कई प्रकाशन हैं। उन्हें वर्ष 2007 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? क्या नाम है? श्याम सखा श्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है? कौन सी नदी है? घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा हिस्सा शिवालिक पहाड़ियों से ढका है? कौन सा है? उत्तर पूर्वी हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। कहाँ पे है? करनाल में। यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है। कौन सी सीमा पर? पूर्वी सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प को चिन्हित करें। सूरज कुंड झील किसके लिए? माना जाता है कि इसे सूरज पाल ने बनवाया था। ब्रह्म सरोवर किसके लिए है? भगवान माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा यहाँ पर पृथ्वी की कल्पना की थी। सुखना झील किसके लिए है? मानव निर्मित है। और सनहित सरोवर झील भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत है कितनी है? 65.94%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है? कौन सा है? फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले की गुड ईयर कंपनी में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? किसका किया जाता है? टायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज पर रेखांकन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है और यह आउटपुट डिवाइस भी है? कौन सा है? प्लॉटर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? चाणक्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच मशहूर लड़ाई डैश में लड़ी गई। कहाँ पे लड़ी गई? पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया? किसको? चौधरी देवीलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अक्टूबर 2019 तक हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है? माननीय श्री न्यायमूर्ति रवि शंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की अपनी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पात्रता के लिए किसी अनुसूचित जाति अथवा किसी भी BPL परिवार में जन्मी पहली लड़की का जन्म डैश या उसके बाद होना चाहिए? कौन सी डेट के? 22 जनवरी 2015 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी मुक्त हरियाणा मिशन डैश हरियाणा सरकार इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिसीज और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार के केंद्रीय टीवी विभाग के बीच एक सहयोगी प्रयास है। क्या है? मेदांता द मेडिसिटी।